आपको वीडियो चालू होने से पहले एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। हमारा जो गेम है होल्ड माय एग, उस पे 80,000 डाउनलोड्स हो चुके हैं और हमारा गोल है 100 के डाउनलोड्स करवाना। तो गाइस फटाफट से गेम जाकर डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गाइस आज ना मैं थोड़ा सा बोर हो चुका हूँ। आज मेरा मन कर रहा है कि ऐसे कुछ हाई पिक्सल या टीजी नेटवर्क खेलना है। मैं टीजी नेटवर्क खेलूं या हाई पिक्सल? एक सेकंड, ये क्या आ रहा है? वेलकम टू द सर्वर ऑफ ज़ेफ्लेस, इधर भी है, इसमें एक बार जाकर देखता हूँ मैं। अरे मैं ये कौन सी वीडियो स्पॉन हो गया? भाई इधर क्रीपर है, भागो। ये जगह कौन सी है यार? थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ मैं। गाइस जब मैं इस वर्ल्ड में आ रहा था ना, तब वहाँ पर लिखा था वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ज़ेफ्लेस, और ये देखो मुझे विलेज भी मिल चुका है। चलो अच्छी बात है। और गाइस कोई भी माइनक्राफ्ट प्लेयर को विलेज मिलता है तो ऑब्वियसली आपको पता हो क्या करता है, उस विलेज को लूटता है। लूटने की बात कौन कर रहा है? ये कौन है भाई? कौन है भाई? कौन आ गया लुटेरा? भाई आप क्या कर रहे हो इस वर्ल्ड में? अच्छा तू ये मेरे वर्ल्ड में आकर मेरे से पूछ रहा है आप क्या कर रहे हो? अच्छा ये आपकी वर्ल्ड है? हाँ तो अरे रुक जा, अरे रुक जा, मेरे पास कुछ नहीं है। ये ले। और बता क्यों आया है? अरे मैं हाई पिक्सल खेलने जा रहा था और मैं इधर आ गया। चल अभी वापस चले जा। भाई मैं इधर आ ही गया हूँ तो आप थोड़ा सा वर्ल्ड का टूर करवा लो। रुक जा मैं अपने हॉर्स को रख के आता हूँ। क्या देखेगा तू मेरे वर्ल्ड में? मेरे पास तो घर भी नहीं है अभी तक। भाई है ना ये घर? अरे वो मेरा घर नहीं है यार, वो विलेजर का घर है। प्लीज भाई वर्ल्ड टूर दो यार आपका, मतलब विलेज का टूर दो यार। ये देख सबसे पहला ये मेरा हाउस है जिसके अंदर रहने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, मैंने पूरा सामान से भर दिया हूँ। भाई यहाँ पर तो खाली 4 ब्लॉक है खड़े रहने के लिए। हाँ ये भी है ना, इधर आ। और भाई मैंने आपकी वीडियो में देखा था कि आपको बहुत सारे डायमंड्स मिले थे, दिखाओ जरा। नहीं 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 वो मैं तुझे नहीं दिखा सकता भाई। हाँ डायमंड्स तो है मेरे पास, बट वो इस चेस्ट में। यहाँ पर तो दिखा रहे चेस्ट इज लॉक्ड। हाँ उसकी की सिर्फ मेरे पास ही है भाई, मुझे किस पर भी भरोसा नहीं है, खास करके तुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं है। तू डायमंड चोरी कर लेगा मेरे। अरे भाई प्लीज थोड़ा खाना दो यार, मेरी हेल्थ कम हो रही है। आह भाई आप सच बोलो, आपने ये सब ब्रेड्स यहाँ के एबेल चोरी करके बनाया ना? हाँ। और हाँ तू ये मत समझना कि तू इस चेस्ट को खोल लेगा। ये देख ये है वो की जिससे चेस्ट खुलती है। अरे मैंने गलती से ड्रॉप कर दिया, जल्दी दे। हाँ ये देख अभी चेस्ट, अभी तू खोलने का ट्राई कर। भाई मुझसे तो ऐसे ही नहीं खुल रही थी, जा आप खोल रहे हो तो ना तब भी नहीं खुल रही थी। चल हो गया तेरा टूर अभी यहाँ से। अरे अरे रुक जा रुक जा। भाई मैं सोच रहा हूँ कि हम इस वर्ल्ड में हमारे एक नए डुओ सर्वाइवर सीरीज चालू करते ना। हाँ चलेगा कोई बात नहीं, बट तुझे सारी चीजें खुद से बनानी होगी, मैं कुछ नहीं देने वाला। ठीक है चलेगा। तुझे अपना घर भी अलग बनाना होगा। चलो ठीक है, वो सब तो बाद में देख लेंगे ना। चल अभी रात हो चुकी है, मैं तो जा रहा हूँ सोने। अरे यार ये विलेजर हमेशा बैठ जाता है, उठ भाई क्या पागल है ये। भाई आप तो सो जाओगे बट मैं कैसे सोऊंगा? अरे तू बाहर रास्ते पे सो जा ना। गजब बेइज्जती है। चलो भाई मैं बेड लेकर आ गया। हाँ चल सो जा, बाय बाय। सो जा यहाँ पर, घर में जगह नहीं है मेरे। भाई जगह नहीं है भाई, सॉरी भाई जगह है ना। अरे नहीं है नहीं है भाई। मॉन्स्टर्स किधर है यार? ये क्या भाई, बैठ दो। भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, हम लोग दोनों नहीं सो पा रहे और ये विलेजर्स कैसे सो रहा है? आज मेरा भी दिन बहुत खराब है, मुझे भी रास्ते पर ही सोना होगा। आ जा भाई। The next day. चल अभी मैं जा रहा हूँ डायमंड्स की माइनिंग के लिए, अगर तुझे कुछ भी चाहिए रहेगा ना तो वो ऊपर वाली चेस्ट में से ले लेना, और वो नीचे वाली चेस्ट में से चोरी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना क्योंकि उसकी की मेरे पास ही है। ओके चल मैं जा रहा हूँ। गाइस मैंने ना भाई के रीसेंट सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड में देखा था कि भाई को ना बहुत सारे डायमंड्स मिले थे, बट भाई ने तो उस चेस्ट पर लॉक लगा के रखा है। बट गाइस डोंट वरी, मेरे पास है ना एक प्लान है उस चेस्ट को खोल के सारे डायमंड्स को लेने का। गाइस भाई ने ना एक गलती कर दी थी, भाई ने ना उस की को ड्रॉप कर दिया था और मैंने उस की का नाम पढ़ लिया था। अब आप सोचोगे की का नाम पढ़ने से क्या होने वाला है। अब गाइस मेरा प्लान सुनो, आपको शायद सब पता होगा एक टिकटॉक ऐप आता है जिसमें ना हम चेस्ट को ना लॉक कर सकते हैं। समझो मैंने बीट रूट लिया है और अगर मैं उसे रीनेम कर दूं एनविल में की से तो फिर वो चेस्ट खुल जाएगी, ठीक है? इसका मतलब भाई के पास वो चीज है की, और मैं कोई भी रैंडम चीज लूंगा उसका एनविल नाम रीनेम करूंगा और चेस्ट खोल दूंगा। अभी मैंने एक ब्रेड ले लिया है, अभी मैं इसको एनविल में रीनेम करूंगा। अरे मुझे एक्सपी चाहिए यार। चलो गाइस अभी मैं इसको रीनेम करूंगा ई से
और होपफुली ये खुल जाना चाहिए। खुल गया, यस। ये देखो इसमें इतना सारा ओपी सामान है। गाइस देखो मेरे पास डायमंड्स आ चुके हैं और आप सोच रहे होगे कि भाई को तो शक हो जाएगा। भाई को शक मुझ पर नहीं होगा क्योंकि भाई को तो पता है कि क्यों उनके पास है और बिना उनकी की के कोई नहीं खोल सकता, ऐसा सिर्फ भाई को लगता है। बट मैंने तो 200 IQ लगा के इस चेस्ट को खोल लिया है। चलो मैं यहाँ पर है ना अपना छोटा सा बेस बना लेता हूँ जहाँ पर मैं सारे डायमंड्स को स्टोर करूंगा। A few moments later. मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगा, आपको बताना है कि मेरा बेस किधर हो सकता है। सबसे पहला ऑप्शन इस जो माउंटेन वाली जगह है उसमें, दूसरा ऑप्शन इस फील्ड में, तीसरा ऑप्शन इस घर में। गाइस अगर आपने माउंटेन चूज किया तो आप एकदम गलत हो, आपने हाउस चूज किया तो भी आप एकदम गलत हो। मेरा सीक्रेट बेस है इस फील्ड में। ये देखो किसको शक भी नहीं होगा इधर। Meanwhile, चलो भाई मेरे को तो 6 डायमंड्स मिल गए। मैं अपनी की लेता हूँ और मेरे सीक्रेट चेस्ट को खोल के देखता हूँ। अरे मेरे डायमंड्स किधर है? इस चेस्ट में तो नहीं, नहीं इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस चेस्ट की तो सिर्फ मेरे पास ही है ना, फिर मेरे डायमंड्स कैसे चोरी हुए? अगर वो चेस्ट लॉक नहीं होता तो मुझे उस पर शक जाता, बट यार ये कैसे हो सकता है? चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना फिर से डायमंड्स अंदर रख देता हूँ और ना इस बार मेरे पास एक आइडिया है। मैं अभी ना यहाँ पर डायमंड्स रख देता हूँ और मैं एक ना विलेजर से बात करता हूँ। हेलो विलेजर्स, तुम लोग ने किसको देखा क्या मेरे घर में जाते हुए? मैं एक काम करता हूँ, इस विलेजर को ना मैं ब्रेड देता हूँ और इसको बोलता हूँ कि ना मेरे घर की रखवाली कर, अगर कोई भी आएगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ये ले विलेजर, तेरे लिए ब्रेड है यहाँ पर और मेरे घर की रखवाली करना। मुझे ना अपने भाई पर ना पूरा भरोसा तो नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है। ये करने के बाद है ना मालूम पड़ जाएगा कि मेरा भाई चोर है या नहीं। मैं उसे बोलूंगा कि मैं फिर से डायमंड्स माइन करने जा रहा हूँ, बट असल में मैं यहाँ पर ही छुप के रहूंगा। मैं यहाँ पर फिर से आऊंगा और उस विलेजर से सारी इन्फॉर्मेशन लूंगा। A few minutes later. सॉरी भाई, गलती से हो गया। क्या किया तूने ये? अरे मैं फील्ड पे काम करने जा रहा था, क्रीपर आके फट गया। चल वो सब छोड़, अभी है ना मैं फिर से जा रहा हूँ डायमंड्स माइन करने के लिए। जब तक है ना तू इस फील्ड को ना रिपेयर कर ले। यस गाइस, यही मौका है फिर से डायमंड स्टोरी करने का। चलो इसे मैं बाद में कंप्लीट कर लूंगा, सबसे पहले अपना मिशन कर लेता हूँ। चलो रास्ता साफ है, मेरे आसपास कोई नहीं है। अरे ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है? चलो इसे सोने देते हैं यहाँ पर ही और मैं ये 6 डायमंड्स ले लेता हूँ। अच्छा होगा इस भाई ने इस बेस को नोटिस नहीं किए, वरना मैं फंस जाता। यार लगता है मुझे इसे रिपेयर करना ही होगा। अगर फिर से यहाँ पर क्रीपर फूट गया ना तो मेरा बेस तो सच में दिखने लगेगा पूरा। देख रहे हो गाइस, मैं इतना अच्छा चोर हूँ, मैं इतने सारे काम भी करता हूँ। चलो गाइस अब मैं सारे डायमंड्स को अपने बेस में रख देता हूँ। ओ भाई इधर तो 21 डायमंड्स हो चुके हैं और डायमंड्स भी तो आ रहे हैं ना, क्योंकि भाई तो माइनिंग पर गए हैं। क्या किसने मेरा नाम लिया? सॉरी, ये सब मालूम पड़ गया। भाई आपको मेरे बेस के बारे में कैसे पता चला? मैं तो दूसरी बार है ना तुझे झूठ बोल रहा था, असल में तो मैं ना यहाँ पर ही था। भाई आपको मेरे प्लान के बारे में मालूम कैसे पड़ा? पहली बार तो तूने अच्छे से लूट लिया मुझे, दूसरी बार मैंने ना एक स्पाई रखा था। स्पाई? कौन सा स्पाई? तुझे मालूम है इस रूम में एक विलेजर था, वो मेरा स्पाई था। क्या? उसे मैंने ना बहुत सारे ब्रेड्स दिए थे और मैंने बोला था कि इस पर नजर रख, अगर कोई चोर आता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। यार मैं उस विलेजर को मारने ही वाला था, मैंने क्यों नहीं मारा उसे? और अभी क्या? ठीक है भाई, सॉरी। भाई मैं क्या सोच रहा था कि हमेशा हमारी डुओ सर्वाइवल वर्ल्ड बना लेते। हाँ चलेगा, बट अगर तू ऐसे मस्ती करेगा ना तो फिर मैं तुझे अलाउ नहीं करूँगा, समझा? ठीक है भाई, मैं मस्ती नहीं करूँगा, मैं मजाक कर रहा हूँ। अबे रुक जा, रुक जा, किधर भाग रहा है? चलो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, और गाइस आज लाइक का एम है 50,000 लाइक, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मार मत यार।